नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर में। तो गांव है जिला पानीपत का रिसाड़ू, और वहां पर ये जो मुर्रा पशुधन आप देख पा रहे हैं ताज़ा ब्याई हुई है, नन्हे इसके जो बच्चा है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या कुछ डिटेल है उसके लिए लेकर के चलेंगे इन्हीं के पास, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक चैम्पियन बुल इनके पास हुआ करता था मुर्रा नस्ल का, जो कि काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन का था, तो उसकी भी जानकारी लेंगे, जो कि अभी इन्होंने सेल कर दिया है। और इनकी ये जो भैंस है ये भी सेल के लिए उपलब्ध है। ये देखें एक बार चला करके दिखाते हुए, सुबह का समय है और पूर्व दिशा में से सूरज जो निकल रहा है। एक जो त्रुटि यहाँ पर हुई है वो ये कि दूध इन्होंने निकाल दिया, दूध जो है अभी निकला हुआ है, इसलिए अडर की जो पोजीशन है वो हमें ठीक से जो इसकी पूरी पोजीशन देखने को मिल सकती थी वो अभी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन क्या कुछ डिटेल है, क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता है और क्या कुछ वाजिब जो दाम है, इधर आ जाएं। ये देखें इनके मालिक साहब हैं, युवा साथी हैं, और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो वो जो बुल था आपके पास, काफ़ी अच्छा बुल था, तकरीबन 2-3 साल पहले यहीं पर इसी आंगन में उसकी वीडियो कवर की गई थी, वो सेल कर दिया था। हाँ जी, सेल कर दिया था जी, वो 5 लाख रुपए का दिया था जी। किन को दे दिया था? वो कुलक्षेत्र के पास तलोंडी गांव है जी, प्रिंस भाई साहब लेके थे। अच्छा, प्रिंस भाई साहब लेकर के गए थे। कौन सी ब्लड लाइन से था वो? M29 का बच्चा था जी। M29 का बच्चा था। ये देखें, और कौन से कॉम्पिटिशन में विजेता रहा था वो? जजर प्रदर्शनी में 150-200 में चौथे नंबर पे आया था जी। चौथे नंबर पर ब्रिड करेक्टर्स उसके काफी, दो चार दांत में जी, दो से लेकर के चार दांत की कैटेगरी थी। उसने एक ही दांत तोड़ा था जी, उस टाइम एक ही दांत तोड़ा था। हाँ जी, तो ये जो मुर्रा भैंस है, सूचना गलत दे दी गई आपको कि सुबह दूध निकाल लो। हाँ जी, एक, हाँ जी। निकलने के 1-1.5 घंटे बाद मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर, तो पोजीशन जो दिखा सकते थे वो नहीं दिखा रहे। एक ही घंटा हुआ है जी। सुस्पष्ट बताएं आपकी भैंस में कितना दूध है? सर 9 दिन की ब्याई है, आज 9वां दिन है, 16-17 किलो दूध है कट्टे के तोल का। अच्छा, और पिछले ब्यांत में इसने? पिछले ब्यांत में 21 किलो 200 ग्राम का था जी, HLDB में जी इसका। हाँ जी, रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड तो नहीं जी, उसके जिस भाई के पास थी उनके पास ही था जी। अच्छा, लेकर के आए? हाँ, ये मैंने जीन से ली थी। शुभ नाम मैं आपका जानना चाहूंगा? संदीप मलिक जी। संदीप मलिक हैं, गांव रिसाड़ू से, और इनकी ये जो मुर्रा भैंस है ये देखें आप, जो जैसी है वो वैसी दिखा दी जाती है। दुआई और दूध निकालना बिल्कुल नरम है, एक नंबर बिल्कुल, जो जैसा है। फैक्ट बात बताएं, पूसा बहुत बढ़िया जी, दार मोटी बिल्कुल। अच्छा, कोई भी आएगा तो 2-3 टाइम दूध दिखाओगे? 5 टाइम दिखाऊंगा जी, 2-3 टाइम नहीं दिखाऊंगा, 5 टाइम दिखाऊंगा जी। और फिर कोई उलाना नहीं लोगे? कोई उलाना नहीं लेऊंगा जी, बाद में मेरे खुंटे चाहे 10 दिन देखो जी, 10 दिन देखो। हाँ जी, हमें कोई भी बिल्कुल वो नहीं। अभी आपने बताया 9-10 दिन की ब्याई? 9 दिन की जी। 9 दिन, आज 9वां दिन है जी। अच्छा, हाँ जी, 9 दिन की ब्याई हुई, 16-17 किलो दूध तैयार है जी। तो जो कोई भी लेने के लिए आए, हाँ जी, दो समय का दूध तोलें, और अगर दूध उस हिसाब से न हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या आपने जब दूध तोला तो जो वीडियो में बताया गया था उसी के अनुसार आपको मिला, हाँ, या फिर कम या ज्यादा मिला। ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, इन युवा साथी ने बताया है कम नहीं मिलेगा। हाँ जी, कम तो, नहीं पाओगे जी बिल्कुल। तो एक बार फिर चला करके दिखाएं, कौन से ब्यांत में है ये? ये तीसरे इलेक्ट्रेशन में है जी। तीसरे में? दूसरे में आप लाए थे? हाँ जी, दूसरे में मैं ले आया था जिसको। फिर आपने आपके घर पर कितना दूध तोला इसने? 19-20 किलो तो मेरे घर तोल रखा है। पिछले ब्यांत में जी? अच्छा अच्छा, पिछले ब्यांत में 19-20, और इस बार इन्होंने जो जानकारी दी है कि थर्ड इलेक्ट्रेशन में है। वैसे भैंस में मुर्रा नस्ल में कोई कमी नहीं देखने को मिली, पूरी काली पूंछ में। ये देखें, बस जो त्रुटि हुई है कि सुबह जो दूध निकाला गया तो 1-1.5 घंटे पहले जो दूध निकला हुआ है उसकी वजह से जो इसकी एक्चुअल पोजीशन हम दिखा सकते थे वो नहीं दिखा पा रहे हैं। अन्यथा हमें कोई बखान करने की आवश्यकता होती नहीं है, पशुधन का जो पोजीशन होता है वो खुद अपने आप बता देता है कि भाई मैं 15-17-18-20 लीटर की भैंस हूँ। तो जिनको पारखी नज़र होती है वो देख करके अडर को उधर देखें, हाँ पतली चमड़ी है इसमें कोई दोराय नहीं, उधर करें एक बार, मिल्क वेन इसकी जो है इधर वाली वो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, उधर उधर घुमा दो,
हाँ और मिल्क वेन और थोड़ा सा, और थोड़ा सा खोला, बस यहाँ रुक गए। ये देखें दूध अभी निकला हुआ है, लेकिन अच्छा ठंडी है, एक बार हाथ लगा के दिखाएं। तो इन्होंने जो बताया है कि ये देखें बिल्कुल ठंडी है, कोई झिझकने का इस तरह का कोई स्वभाव इसका नहीं है जी। ये देखें आप, दूध निकला हुआ है बस। जो आज एक जो चीज़ है जो और इसकी सुंदरता में चार चांद लगा सकती थी कि दूध अगर इसका न निकला हुआ होता तो। आ जाएं, सुबह कितने बजे दूध निकालते हो? 7:45 निकाला था जी, आज तो जी लेट हो गए थे, वो लेट उठे जी, 7:45 ही निकला जी दूध। तो अभी तो तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम है, ठीक है। तो और क्या नाम है, क्या कुछ आप जायज इसकी कीमत, जायज बिल्कुल सटीक जायज 1,30,000 रुपए है जी। 1,30,000 रुपए। गांव है रिसालू, जिला है पानीपत, पानीपत से रिसालू मात्र 2 किलोमीटर। हाँ जी, दो किलोमीटर। तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर बताएं, 9898123585810404। ले जाएं, कोई शिकायत तो नहीं आने दोगे? कोई शिकायत नहीं आओगे जी, कोई शिकायत नहीं, ठीक है। 16 किलो चाहे 4 या 5 टाइम आप तोल करके ले जाएं, बस डाल दो इसके मोरा, इसके ऊपर डाल दो, जाने दो इसको मन मर्जी से। ये देखें, ले आओ उसको, ले आओ बच्चे को। ओहो, अब बच्चे की याद आई। तो बेच क्यों रहे हो इतनी अच्छी भैंस को? अच्छा, पशुधन आपके पास और भी है। ये देखें, मुर्रा हीफर, एक और मुर्रा हीफर, एक और मुर्रा हीफर, और एक मुर्रा, ये बुल है, बुल, और ये मुर्रा कटड़ी, ये मुर्रा कटड़ी, तो ये काफी है। ये देखें, और एक हमारी, हो माफी चाहूंगा, अन्य नस्ल है ये, देसी नस्ल नहीं, ठीक है। तो इतना अच्छा पशुधन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।